नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम मैथ का एक प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जो प्रश्न डिस्कस करेंगे सबसे पहले उसको देख लेते हैं। प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 और लघुत्तम समापवर्तक 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, महत्तम समापवर्तक कितना दिया है उसने, यह है 11। लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है, 7700। एक संख्या कितनी दी है, 275, और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो हम उसको मान लेते हैं कि वो कितनी है, x है। अब क्या होता है इसमें फॉर्मूला, दोनों संख्याओं का योग बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। यानी एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों का गुणा पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होगा। पहली संख्या कितनी है, 275, दूसरी संख्या कितनी है, x, महत्तम समापवर्तक कितना है, 11, और लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 7700। अब 275 उस साइड चला जाएगा तो x बराबर 11 गुणे 7700 बटे 275। अब काट देंगे, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 पना 55, 25 से कटेगा, 25 थी 75, 2 बचा, 20 में भाग नहीं जाएगा, 25 अट्ठे 200, यानी x बराबर 308। दूसरी संख्या निकल के कितनी आ गई, दूसरी संख्या निकल के आ गई 308। ठीक है, ऐसे प्रश्न आए जिसमें एक संख्या, दूसरी संख्या, लघुत्तम और महत्तम चार चीज़ें पूछी गई हो, जिसमें से कोई एक चीज़ पूछ लेगा तो इसी फॉर्मूले से लगाना है। फॉर्मूला आप ये याद कर लीजिए, ये यहाँ पर दिया गया है, और बस इसको सॉल्व करते जाएंगे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।